हमने इसलिए ये बैनर लगाया है वर्जित का कि जब भी इलेक्शन आता है तो वो हमारे पास आते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, फिर पाँच साल तक वो अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। हम बुनकर कई सालों से परेशान हैं। मुलायम सिंह यादव ने हमारी जो बिजली फिक्स की थी, जहां 8 किलो बिजली फिक्स करना चाहिए था, उन्होंने 120 किलो बिजली फिक्स कर दिया है, जिससे जो बड़े पैसे वाले जो बड़े महाजन हैं या मारवाड़ी हैं, उन लोगों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा ली हैं और हम जो छोटे तबके के लोग हैं, 4-5-6 लूम वाले, हम मुकम्मल तौर पर हम परेशान हाल हैं। हमारा रोजी रोजगार उखड़ गया, हमारे मोहल्ले, हमारे पूरे गोरखनाथ से लूम बिक रहा है, उखड़ कर जा रहा है। और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि अगर हम लोगों पर मेहनत नहीं की, सरकार ने कोई हमारे बारे में ऐलान नहीं किया और ऐलान के साथ साथ उस पर अमल नहीं किया, तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। हमारे में से कुछ नेता लोग ये गलत मैसेज दे रहे हैं कि वोट का बहिष्कार नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ पूरा बुनकर समाज है, घर घर जाकर हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं। और अगर कोई इस मैटर को हल्के में ले रहा है तो उसको इस इलेक्शन में उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तमाम पार्टियों को। वोट का बहिष्कार इसलिए हम लोगों ने किया है कि जब हम लोग जो इलेक्शन आता है तो तमाम नेता तमाम आते हैं और हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं होता है। हम लोग ये चाहते हैं कि अब बगैर नेता के ही रहें, हम लोग जो है बगैर नेता के ही रहना अच्छा समझते हैं, बस यही है। कोई फायदा नहीं है नेताओं के रहने से, कोई काम नहीं होता है। अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया था बुनकरों के बारे में कि जिनके वहाँ बिजली का जो है कनेक्शन है लाइट वाला, जिस जो करघे में इस्तेमाल होता है, उनको जो हम लोग 4800 रुपया सालाना देंगे उनके लिए बिजली का बिल। ऐलान तो हो गया और अपने उसमें जो ऐलान कर दिए कि हमने बुनकरों के लिए ये ऐलान ये किया है, ये फिक्स किया है, मगर हुआ कुछ नहीं। गाय दूध रहे हैं।